नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन ट्यूटोरियल बेसिक्स में। आज हम पिछले क्लास की कुछ कॉन्सेप्ट्स पे कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उनसे समझेंगे और डिटेल में। एक तरह से रिवीजन रहेगा ये। और ये सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम के जरिए आपको समझाऊंगा कुछ चीज़ें जो हमने लास्ट वीडियो में सीखी थी। तो ये प्रोग्राम है, सबसे पहले जो ये लाइन आ रहे, ये ट्रिपल कोट्स में हमने लिखा हुआ है प्रोग्राम के बारे में। तो ये प्रोग्राम मैंने पहले से लिख के रखा है ताकि समय की बचत हो सके। और इसमें जो स्ट्रिंग है, दिस प्रोग्राम विल आस्क योर नेम एंड एज एंड इट विल डिस्प्ले नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन योर नेम एंड योर एज नेक्स्ट ईयर। तो ये जो स्ट्रिंग है पूरा का पूरा, ये है कमेंटेड। दैट मीन्स ये कमेंट है और ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो कोई एरर मैसेज नहीं आएगा। इन अगर हम रन करके देखते भी हैं तो आप देख सकते हैं कि कोई एरर मैसेज नहीं है। इन केस अगर ये स्ट्रिंग ना होता, क्योंकि अब पाइथन को ये लगेगा कि ये सारे स्टेटमेंट्स प्रोग्राम के हैं और ये करने को आपने उन्हें कहा है, इनको एग्जीक्यूट करने को कहा है, स्टेप बाय स्टेप इनको रन करने को कहा है। तो ये पहले जैसे ही पहला प्रोग्राम रन करने की कोशिश करेगा तो एरर आ जाएगा। ये एरर दिखा रहा है और ये बता रहे इनवैलिड सिंटैक्स। इनवैलिड सिंटैक्स है क्योंकि ऐसा कोई सिंटैक्स पाइथन में है ही नहीं। पाइथन में जो सिंटैक्स है, प्रिंट आप ये सब कर चुके हैं, ये सिंटैक्स है और ये सिंटैक्स नहीं है, इसलिए यह है। तो ये हम डबल कोट्स में भी, थ्री डबल कोट्स में भी हम इसे कर सकते हैं, कमेंटिंग मल्टी लाइन्स कर सकते हैं। अब रन करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, राइट। चलिए तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, लाइन नंबर सिक्स में, जिसमें ये बता रहा है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। लेकिन प्रिंट एक फंक्शन है जो कि इनबिल्ड फंक्शन है। प्रिंट इज अ, ये हैश साइन से मैं सिंगल लाइन कमेंट, जो हम लास्ट टाइम भी बता चुके, सिंगल लाइन कमेंट हम लिख सकते हैं किसी भी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कि प्रिंट, प्रिंट इज एन इनबिल्ड फंक्शन, राइट। ये भी मैं रिमूव कर देता हूँ, प्रिंट इज एन, मैंने फॉन्ट बड़ा यूज़ किया ताकि आपको क्लियरली दिखे। तो ये लाइन क्या कह रहा है कि इसके अंदर विद ब्रैकेट के अंदर जो स्ट्रिंग है उसे प्रिंट करना है। स्ट्रिंग है, हम कैसे बता रहे, क्योंकि ये कोट्स में है और स्ट्रिंग के लिए हम आइदर सिंगल कोट या डबल कोट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक सिंगल कोट और एक डबल कोट यूज़ नहीं कर सकते, ये एरर आएगा। अगर अभी हम रन करते हैं तो ये एरर आएगा, एंड ऑफ लाइन वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल। तो ये एंड ऑफ लाइन में ये गलत है, एक डबल कोट्स यूज़ कर रहे हैं और एक सिंगल। अगर डबल करते हैं तो आपको दोनों डबल करने हैं, और सिंगल करना है तो आपको दोनों सिंगल यूज़ करना है। तो ये स्टेटमेंट बता रहा है कि हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, जो कि हम रन करने के बाद वो प्रिंट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। मैंने इसे कमेंट कर रखा है, तो ये जो नीचे के सारे लाइन है वो भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहे, क्योंकि सबको मैंने कमेंट कर रखा है। सिंगल लाइन कमेंट हैश से होता है, मल्टीपल लाइन कमेंट सिंगल कोट, ट्रिपल सिंगल कोट या ट्रिपल डबल कोट से होता है। तो ये दूसरा लाइन, लाइन नंबर सेवन हम चालू करते हैं। इसमें जो स्टेटमेंट है ये है प्रिंट व्हाट इज योर नेम। तो ये भी एक प्रिंट फंक्शन है, इनबिल्ट प्रिंट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि स्क्रीन में हमें आउटपुट चाहिए, क्या आउटपुट चाहिए, व्हाट इज योर नेम स्ट्रिंग आउटपुट होना चाहिए। चलिए इसे रन करते हैं, और पहले स्टेटमेंट से हेलो वर्ल्ड स्क्रीन में आउटपुट आ रहा है, डिस्प्ले आ रहा है, एंड व्हाट इज योर नेम सेकंड लाइन से ये आउटपुट आ रहा है। चलिए अब हम थर्ड लाइन भी आउटपुट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, व्हाट इज योर नेम एक क्वेश्चन है जो कि हमसे रिप्लाई मांग रहा है। अब हमें इनपुट करना है,
लेकिन ये कर्सर जो है, जो थ्री ग्रेटर देन साइन है, वो यहाँ पे आ रहा है। डैट मीन्स ये प्रोग्राम से बाहर आ चुका है, प्रोग्राम के अंदर नहीं है, तो हम टाइप नहीं कर पा रहे। ये कर्सर वेट नहीं कर रहा हमारा कि हम इसका आंसर दें, व्हाट इज़ योर नेम का आंसर दें। इसलिए जो नेक्स्ट लाइन है, लाइन नंबर 8, वो है माई नेम इज इक्वल टू इनपुट फंक्शन। अगेन इनपुट, एक यहाँ भी मैं कर, इनपुट एंड इनबिल्ट फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन। जैसे कि हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, डिस्प्ले कर दिया स्क्रीन में, हमने ये भी लिख दिया क्वेश्चन व्हाट इज योर नेम, ये भी स्क्रीन में डिस्प्ले हो गया। इनपुट फंक्शन हम जब यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, कर्सर को, जो कर्सर रहेगा उसे वहां पे वेट कराएगा। क्वेश्चन के बाद ये लाइन डाल रहे हैं हम, तो यहाँ कर्सर वेट करेगा आपके इनपुट की, आप क्या टाइप करोगे उसकी वेट करेगा। और जैसे ही आप कुछ टाइप करोगे तो ये फंक्शन एक्टिवेट होगा, और ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी आप टाइप करोगे उसे माई नेम वेरिएबल में स्टोर कर देगा। राइट, इसके अंदर वो उसे स्टोर करेगा। चलिए इसे हम वैसे देख लेते हैं, आइडल, सपोज इनपुट, सपोज टेस्ट इक्वल टू इनपुट, इनपुट ठीक है, ये लिखते हैं और अब एंटर करते हैं, तो ये कर्सर वेट कर रहा है हमारा रिप्लाई। चलिए इनपुट लिखते हैं हम हेलो। अब ये थ्री ग्रेटर देन साइन पे आ गया कर्सर, डेट मीन्स ये प्रोग्राम से बाहर आ गया। अब हम चेक करते हैं टेस्ट के अंदर क्या है। टेस्ट और प्रिंट टेस्ट, टेस्ट के अंदर हेलो असाइन हो चुका है, तो इनपुट क्या कर रहा है, हेलो असाइन कर रहा है। अगर हम इसको दोबारा रन करते हैं, दोबारा रन करते हैं, तो अब हम लिखते हैं 5005000। अब हम इसे प्रिंट करके देखते हैं तो ये 5000 आ रहा है। अब ये रिप्लेस हो गया। अब दोबारा जब हमने सेम वेरिएबल पे वैल्यू ऐड किया, अब ये 5000 इंटीजर इस टेस्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुका है। राइट, तो इसमें हम ये भी देख सकते हैं, हम इनपुट के साथ कुछ प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे इनपुट यहाँ पे लिख सकते हैं एंटर योर योर नेम। राइट, तो सिंगल कोट यूज़ कर रहे हैं तो सिंगल ही करेंगे, ठीक है। एंटर योर नेम, क्वेश्चन ये डिस्प्ले कर देगा प्रिंट स्टेटमेंट के बिना। हम यहाँ पे लिखेंगे, जो प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं हम दो लाइन में, वो सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं। सपोज मैं इसे कट करता हूँ, अभी लिखता हूँ प्रिंट, पहले लिखता हूँ एंटर योर नेम। राइट, एंटर योर नेम, तो ये एंटर योर नेम डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन अभी लिखने को नहीं हो रहा है। फिर मैं दूसरा लिखता हूँ नेम इक्वल टू इनपुट फंक्शन कॉल करता हूँ, तो अब ये कर्सर वेट कर रहा है मेरे इनपुट के लिए, और मैंने नेम लिखा, तो ये क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है पहले, फिर इनपुट ले रहे। तो ये दोनों काम हमने प्रिंट फंक्शन से क्वेश्चन डिस्प्ले करवाया, और इनपुट से रवि नेम के अंदर, नेम जो भी आप टाइप करोगे उसको स्टोर करवाया। हम ये दोनों लाइन एक ही लाइन में, एक ही सेंटेंस में, एक ही स्टेटमेंट में ये काम कर सकते हैं, इनपुट और उसके अंदर लिख सकते हैं हम पेस्ट कर लेते हैं। राइट, तो ये इनपुट में हमने ये क्वेश्चन एंटर किया, और अब इससे हम एंटर योर नेम, सो नेम वेरिएबल में स्टोर करेंगे, पहले नेम इक्वल टू दिस। तो ये पूरा सेंटेंस आप देख लीजिए, इनपुट एंटर योर नेम, ये प्रिंट का काम करेगा, ये डिस्प्ले करेगा, और जैसे हम एंटर करेंगे उस एंटर्ड वैल्यू को, जो भी स्ट्रिंग एंटर होगा, जो भी नाम एंटर होगा, वो इस वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगा, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब रन करते हैं,
तो ये आ गया एंटर योर नेम और कर्सर यहाँ पर वेट कर रहा है। तो मैं लिखता हूँ नेम और अब अगर हम चेक करते हैं तो दिस नेम के अंदर रवि असाइन हो चुका है। राइट तो ये सेम यहाँ पे ये कर रहा है प्रिंट, पहले दो स्टेटमेंट्स में हमने यूज़ किया प्रिंट किया व्हाट इज़ योर नेम डिस्प्ले करने के लिए, फिर माई नेम वेरिएबल के अंदर हमने इनपुट स्टोर करना है, जो भी इनपुट आएगा वो स्टोर करना है। चलिए अब रन करते हैं प्रोग्राम को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से हेलो वर्ल्ड, दूसरे से व्हाट इज़ योर नेम और अब ये कर्सर वेट कर रहा है नेम का। चलिए नेम लिखते हैं और ये अब प्रोग्राम बाहर आ चुका है। तो नेम इनपुट हो गया जो भी वेरिएबल है उसके अंदर। वेरिएबल क्या है? माई नेम। माई नेम वेरिएबल के अंदर नेम इनपुट हो चुका है। चलिए थर्ड फोर्थ लाइन दैट इज लाइन नंबर 9 में हमने और एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ किया। यहाँ पे एक डिफरेंस है, बस हमने एक वेरिएबल को ऐड किया, बाकी सेम है। प्रिंट विद इन कोट्स हमने जो यूज़ किया वो आउटपुट स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाएगा। ये आपको पता है कि जैसे हमने यहाँ पे विद इन कोट्स जो भी लिखा वो प्रिंट हो गया, यहाँ पे भी विद इन कोट्स जो लिखा वो प्रिंट हो गया। इन द सेम वे यहाँ पे भी हम जो विद इन कोट्स ले रहे हैं वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ये प्लस माई नेम क्या है? तो प्लस माई नेम क्या है, ये एक स्ट्रिंग हो गया और ये एक स्ट्रिंग है, क्योंकि माई नेम जो है इनपुट में एक स्ट्रिंग स्टोर कर रहा है, एक नेम स्टोर कर रहा है, नेम इज अ स्ट्रिंग। तो हम जो भी लिखेंगे और इनपुट फंक्शन हमेशा वो स्ट्रिंग ही सेव करता है। तो ये स्ट्रिंग स्टोर, अगर आप नंबर भी लिखेंगे तब भी ये स्ट्रिंग ही असाइन करेगा यहाँ पे, राइट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, टू स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटनेट कर सकते हैं। कॉन्कैटनेशन हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आपको लग रहा है कुछ भी भूल रहे हो तो आप दोबारा वापस जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, फिर आके यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये पहला स्ट्रिंग है प्लस दूसरा स्ट्रिंग माई नेम, ये ऐड कर रहा है। तो माई नेम में जो भी वैल्यू आप इनपुट में डालेंगे वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। सपोज फॉर एग्जांपल जैसे मैंने रवि डाला तो ये रवि आ जाएगा। दैट मीन्स इट इज़ गुड टू मीट यू और उसके बाद आएगा रवि प्लस रवि। दैट मीन्स प्लस वेरिएबल ऐड कर रहे हैं कॉन्कैटनेट करने के लिए। टू स्ट्रिंग्स को ऐड करने के लिए हम प्लस यूज़ करते हैं तो ये ऐड हो जाएगा। चलिए अब रन करके देखते हैं। पहले सेंटेंस आ गया, दूसरा आ गया, फिर नेम पूछ रहे। सपोज मैं लिखता हूँ विंसी, एंटर करता हूँ और आउटपुट होता है इट इज़ गुड टू मीट यू विंसी, जो ये था प्लस माई नेम, राइट। ओके अब नेक्स्ट स्टेटमेंट को लेते हैं। ये भी एक प्रिंट स्टेटमेंट है। ये जैसे कि आप देख रहे हो ये सिंपली इस लाइन को प्रिंट करेगा विद इन कोड जो भी है। चलिए रन करके देख लेते हैं। रन तो पहले ये आ गया, फिर व्हाट इज़ योर नेम के लिए वेट कर रहा है हमारा, हमने नाम लिखा और ये मैसेज आ गया इट इज़ गुड टू मीट यू विंसी। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमने किया था, अनकमेंट किया था, वो है प्रिंट फंक्शन द लेंथ ऑफ योर नेम। द लेंथ ऑफ योर नेम इज कितने कैरेक्टर्स आएंगे वो अब मैंशन होगा यहाँ पे। ओके वो कैसे होगा? नेक्स्ट फंक्शन हम प्रिंट कर रहे हैं, मतलब डिस्प्ले कर रहे हैं स्क्रीन में, क्या कर रहे हैं, लैन माई नेम। लैन अगेन और एक फंक्शन है, जैसे हमने बताया था लैन इज इनबिल्ड फंक्शन। तो लैन एक इनबिल्ड फंक्शन है, ठीक है। प्रिंट लैन, लैन माई नेम वेरिएबल का जो लैन फंक्शन क्या करेगा, माई नेम वेरिएबल का वो लेंथ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मेजर। चलिए इसको हम एक बार देख लेते हैं। सपोज नेम एक वेरिएबल ले लिया हमने, इसमें स्टोर किया विंसी मुद्गल। ओके एंटर करते हैं तो हम अगर चेक करते हैं अभी तो ये स्टोर हो चुका है, ठीक है। इसका टाइप भी हम चेक कर सकते हैं, नेम टाइप इज स्ट्रिंग, str मीन्स स्ट्रिंग। ओके अब हमें इसका नेम में कितने कैरेक्टर हैं वो कैलकुलेट करना है।
तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे लेन फंक्शन। लेन फंक्शन के अंदर हम कौन सा आर्गुमेंट पास करेंगे? हम करेंगे वेरिएबल जिसको काउंट करना है हमने, तो नेम, नेम वेरिएबल को हमने पास कर दिया और इसको हम एंटर करते तो ये बता रहा है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक स्पेस 12। सो 12 कैरेक्टर्स आपका काउंट इंक्लूडिंग स्पेस, इन बिटवीन स्पेस जो होगा उसे भी कैलकुलेट करें। लेन को हम डायरेक्टली वेरिएबल बिना करके डायरेक्टली स्ट्रिंग पे यूज करते हैं तो भी रिजल्ट सेम आएगा कि हम आइदर वेरिएबल नेम पे कर सकते हैं या स्ट्रिंग। वेरिएबल नेम पे करना प्रोग्राम्स में आप मैक्सिमम वेरिएबल नेम्स पे ही करेंगे, डायरेक्टली स्ट्रिंग्स पे नहीं करेंगे, क्योंकि वेरिएबल का आपको पता नहीं होता। अभी मैंने विंसी मुद्गल एंटर किया, प्रोग्राम दूसरी बार रन होगा तो कोई और नाम एंटर हो जाएगा, तो इसलिए वेरिएबल को यूज़ करते हैं कि जो भी नाम आता है उसके कैरेक्टर्स को वो ये करेगा। नेक्स्ट टाइम सपोज जब प्रोग्राम रन होता है तो मैं नाम चेंज कर देता हूँ, और नाम चेंज कर देता हूँ तो ये वेरिएबल का वैल्यू भी चेंज हो जाता है। अब लेन नेम करते हैं तो 10 कैरेक्टर्स, ये 4 और ये 5, 9 एंड प्लस स्पेस 10। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ये रन करते हैं एक बार इस प्रोग्राम को। नेम पूछ रहे हैं सपोज इटी, ओके इट इज़ गुड टू मीट यू इटी, द लेंथ ऑफ योर नेम इज 4, 4 कैरेक्टर्स आ गया, राइट। चलिए अब नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी प्रिंट स्टेटमेंट है, ये क्या करेगा? व्हाट इज योर नेम, योर एज प्रिंट करेगा एज इट इज, ठीक है। रन करते हैं, पहला स्टेटमेंट आ गया, दूसरा आ गया, क्योंकि यहाँ इनपुट है तो ये वेट करेगा इनपुट का, और इनपुट डालने के बाद फिर प्रिंट स्टेटमेंट का, ये प्रिंट हो गया, इट इज गुड टू मीट यू प्लस माई नेम वेरिएबल था, कॉन्कैटनेशन है, और ये है द लेंथ ऑफ योर नेम, और यहाँ पे लेन फंक्शन यूज किया तो लेंथ काउंट करके 1, 2, 3, 4। व्हाट इज योर एज, नेक्स्ट ये प्रिंट हो रहा है व्हाट इज योर एज से। अब फिर से एक इनपुट यूज कर रहे हैं हम, माई एज इक्वल टू इनपुट, अब कर्सर वेट करेगा इनपुट के लिए। अब हम रन करते और जैसे ही रन किया ये पहले व्हाट इज योर नेम 80 और एंड में आता है व्हाट इज योर एज, राइट। तो एज के लिए हमने यहाँ लिख दिया 18, 18 इज अ इंटीजर नंबर, राइट, और ये बाहर आ गया। दैट मीन्स ये इस प्रोग्राम में आपने इनपुट एज कर लिया, माई एज वेरिएबल के अंदर जो भी एज हम एंटर करेंगे वो यहाँ पे असाइन हो जाएगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, राइट। उसके बाद हमने फिर से एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया और यहाँ पे है प्रिंट स्टेटमेंट विद इन कोट्स, ये पार्ट है तो ये पार्ट एज इट इज स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाएगा, यू विल बी, फिर प्लस, प्लस इज फॉर कॉन्कैटनेशन इंट माय, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, नेक्स्ट ईयर का एज बताना है हमने। चलिए सिर्फ एज करते हैं हम, ये डालते नहीं, इसे जरा सा सिंपल कर देते हैं, राइट। तो ये क्या होगा, कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं माय एज, जो भी एज है यू विल बी, अभी अगर 18 एंटर करते तो 18 इन अ ईयर, राइट। चलिए इसको रन करते हैं और नेम 80, राइट, एज, एज 18 डालते हैं और यू विल बी 18 इन अ ईयर। चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो ये है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट ईयर का एज बताना है, डेट मीन्स अभी 18 है तो नेक्स्ट ईयर 19 होगा, हमें बताना है कि आपका एज नेक्स्ट ईयर 19 होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे
हम प्लस वन कर देते हैं, और क्योंकि प्लस कॉन्केटनेशन के लिए यूज़ हो रहा है तो हम इसे ब्रैकेट में ले लेते हैं सेपरेट करने के लिए। तो ये 18 आएगा, 18 प्लस वन होना ये चाहिए, लेकिन ये अब एरर आएगा। और ये हम एरर क्यों आएगा मैं बताने से पहले एक बार रन कर देता हूँ। नहीं, 18 डाल दिया तो ये एरर मैसेज आ गया। और एरर क्या है यहाँ पे, एरर है टाइप एरर है, टाइप एरर है कि यू कैन ओनली कॉनकेटनेट स्ट्रिंग, राइट, नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो है ये एक स्ट्रिंग है, ये जो है ये भी एक स्ट्रिंग है, ये दोनों स्ट्रिंग आप कंबाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब ये जो है ये एक स्ट्रिंग है, क्योंकि इनपुट फंक्शन हमने यूज़ किया है। इनपुट फंक्शन यूज़ करके जो भी हम वैल्यू लेते हैं, इनपुट फंक्शन पे जो भी वैल्यू आएगा वो एक स्ट्रिंग ही होगा। इसको हम एक बार इसको करके देख लेते हैं। सपोज नेम इक्वल टू इनपुट, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटर योर नेम, राइट, ओके। ये क्या होगा, एंटर योर नेम डिस्प्ले होगा मैसेज, और उसके बाद हमें कर्सर मिल जाएगा इनपुट करने को, और जैसे इनपुट करेंगे, जो भी इनपुट करेंगे वो नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, राइट। अभी हम लिखते हैं इसमें, ये नेम वेरिएबल में आप चेक कर सकते हो, स्टोर हो गया। नेम वेरिएबल का टाइप अगर चेक करें तो टाइप नेम, और एंड इट इज अ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, राइट। ऑल राइट, अब इसी को हम दोबारा करते हैं, इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, और एंटर योर नेम की जगह एक दूसरा वेरिएबल लेते हैं एज, और एंटर योर नेम की जगह एज करते हैं, और इसको रन करते हैं। अब एंटर योर एज आ गया। सपोज मैं देता हूँ 22, जो कि गलत है, एंटर करते हैं, और ये 22 स्टोर हो गया एज वेरिएबल के अंदर। हम इसे चेक कर सकते हैं, एज वेरिएबल के अंदर 22 स्टोर हो गया, और इससे इसका हम टाइप चेक कर सकते हैं। टाइप, डेटा टाइप क्या है एज का, तो डेटा टाइप एज का भी स्ट्रिंग ही है, जबकि 22 हमने एंटर किया, 22 इज स्ट्रिंग। तो हमें अगर इसे कैलकुलेट करना है, सपोज दिस एज प्लस वन करना है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एज इज स्ट्रिंग str, और वन इज एन इंटीजर। हम क्या कर रहे हैं, कॉन्केटनेट कर रहे हैं एज एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर में, विच इज़ नॉट लीगल इन पाइथन, ये अलाउड नहीं है पाइथन में। और ये जब भी हम करने की कोशिश करेंगे हमें टाइप एरर आएगा, और उसमें होगा कैन ओनली कॉन्केटनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर, स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग कॉन्केटनेट होगा, ये नहीं होगा। तो ये कैसे कर सकते हैं, इन केस हमें करना है एज इज अ स्ट्रिंग प्लस वन करना है हमने, तो हमें क्या करना होगा, इस स्ट्रिंग को हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे इंट फंक्शन। ये स्ट्रिंग है तो इसी इंट के अंदर इसको एज को एज अ आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे। अब अगर हमें प्लस करना है तो हम करेंगे इंट, इसे कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में प्लस वन। अब हम ऐड कर सकते हैं अब 21, जबकि हम अगर एज प्लस वन करते हैं तो एरर मैसेज आता है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है और ये इंटीजर है। वही यहाँ पे हमने स्ट्रिंग 22 को इंटीजर में कन्वर्ट किया और फिर वन से प्लस कर दिया, डेट इज 23। ऑल राइट, चलिए तो प्रोग्राम में वापस आते हैं। तो प्रोग्राम में यहाँ पे क्या है, यू विल बी,
ठीक है, और प्लस वन हमने करना है, प्लस वन, और उसके बाद ये एज इट इज प्रिंट होने वाला है इन अ ईयर, ये कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, ये हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, माई एज इज अ स्ट्रिंग, क्योंकि हमने इनपुट फंक्शन यूज करके इसका वैल्यू स्टोर किया है, तो ये स्ट्रिंग है, तो इसे ऐड करना है वन से, तो पहले हमें इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अब हम रन करते हैं। यो व्हाट इज योर नेम, विंसी, ठीक है, एंड लेंथ ऑफ योर नेम इज 5, ठीक है, व्हाट इज योर एज 2, राइट। तो ये पूरा नहीं हुआ, दैट इज इंट, ओके, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यहाँ पे इंटीजर 20 जो भी आएगा एज प्लस 1, ये ऐड तो हो जाएगा, लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या आ रहा है दूसरा, कि ये वेरिएबल, ये स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, और ये इंटीजर आ रहा है। तो अब यहाँ का एरर में, यहाँ का एरर तो सॉल्व हो गया, बट ओवरऑल जो पूरा सेंटेंस है उसका एरर सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, और ये जो भी ऐड होगा प्लस वन होके ये इंटीजर आएगा। तो इसको एक बार हम ऐड कर लेंगे, और उसके बाद ओवरऑल को हम एज ए स्ट्रिंग कन्वर्ट कर देंगे। इसके लिए फंक्शन यूज करेंगे हम str। str क्या करेगा, इसे पहले तो इंटीजर बना के हमने ऐड कर लिया, उसके बाद जो भी वैल्यू आए, सपोज हम यहाँ पे डालते इनपुट एज डालते 22, तो 22 प्लस 1 ये 23 कर लेगा, और फिर स्ट्रिंग फंक्शन यूज करके इस 23 को स्ट्रिंग बना देगा। चलिए तो ये अनडू कर लेते हैं हम, ओके, अब रन करते हैं इसको। व्हाट इज योर नेम, विंसी, व्हाट इज योर एज 2 years, और अब यू विल बी 3 इन अ ईयर, तो नेक्स्ट ईयर आप 3 साल के हो जाएंगे। सो फॉन्ट्स मैंने बड़ा लिया ताकि आपको क्लियर दिख सके, इसे चेंज कर सकते हैं, ऑप्शन कॉन्फ़िगर आइडल में जाके आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, 25 कर देता हूँ अभी के लिए, और ये पूरे स्क्रीन में आ रहा है अब। ये पूरा प्रोग्राम आपका ये है, जो कमेंट, मल्टीपल कमेंट लाइंस था, और ये सारे स्टेटमेंट्स हैं, प्रिंट स्टेटमेंट और इनपुट फंक्शन हमने यूज़ किया, और हमने स्ट्रिंग फंक्शन और इंट फंक्शन भी यूज़ किया कन्वर्ट करने के लिए। इंट फंक्शन यूज़ किया स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, और str दैट इज स्ट्रिंग फंक्शन हमने यूज़ किया इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। हमने len फंक्शन भी यूज़ किया, len फंक्शन यूज़ किया नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नेम से उसे ये करने के लिए, काउंट करने के लिए हमने ये यूज़ किया। और अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे। चलिए तो अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑपरेटर्स एंड विच आर वैल्यूज़। तो ये ऑपरेटर्स और वैल्यूज़ भी पिछले वीडियो में मैंने कवर किया था, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो पिछली वीडियो को दोबारा देखिए, और वहाँ से समझने के बाद इस एक्सरसाइज में आ सकते हैं। तो ये पहला जो है ये है एस्ट्रिक्स, और ये हम यूज़ करते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, सो दिस इज़ अ ऑपरेटर, ऑपरेटर, ये एक ऑपरेटर है। दूसरा विद इन कोट्स हेलो है, दिस इज अ स्ट्रिंग, सो दिस इज नॉट अ ऑपरेटर, दिस इज अ वैल्यू, ये वैल्यू है। नेक्स्ट -88.8, अगेन इट्स अ फ्लोट वैल्यू, इट्स अ फ्लोट वैल्यू, सो इट इज अगेन अ वैल्यू, नेगेटिव है। और माइनस साइन जो है, ओके, दिस इज यूज फॉर सब्ट्रैक्शन, दिस इज अगेन एन ऑपरेटर, जो कुछ काम कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है नंबर्स पे, वैल्यूज पे, डेटा पे, दैट इज ऑपरेटर। अगेन ये हम यूज करते हैं डिविजन के लिए, सो दिस इज अगेन एन ऑपरेटर। प्लस
भी ऐड करने के लिए यूज करते हैं, सो दिस इज एन ऑपरेटर, राइट। और फाइव इज एन इंटीजर एंड इट इज अ इंटीजर वैल्यू, सो इट इज अ वैल्यू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएबल एंड विच इज अ स्ट्रिंग। तो दो है, दोनों सेम नेम यूज किया हुआ है, स्पैम स्पैम विद इन कोट्स। तो इनमें वेरिएबल कौन सा है और स्ट्रिंग कौन सा है। जैसे कि मैंने बताया, वेरिएबल नेम जब भी लेंगे हम, वेरिएबल नेम में कोई कोट्स नहीं होगा, स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर और सिंगल वर्ड का होगा। अगर सेपरेट करना है तो अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, दैट इज लीगल इन पाइथन। तो ये स्पैम विदाउट कोट्स जो है, दैट इज अ वेरिएबल, और जो विद इन कोट्स है वो दैट इज अ स्ट्रिंग। ये एक वैल्यू है जिसको हम स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल के अंदर। ये स्ट्रिंग है, दिस कैन बी स्टोर्ड इनसाइड अ वेरिएबल। चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। सपोज स्पैम इज इक्वल टू स्पैम हम लिखते हैं, जैसे एरर, क्या एरर आ रहा है, नेम एरर, नेम एरर आ रहा है। दिस नेम स्पैम इज नॉट डिफाइंड, नेम स्पैम ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, हम उसे यूज कर रहे हैं। अगर इंस्टेड हम यूज करते हैं सपोज स्पैम, हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया स्पैम, राइट, एंटर करते हैं, देन यहाँ पे क्या आ रहा है कि सिंटेक्स एरर आ रहा है, कैनॉट असाइन टू लिटरल। हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल नेम को, वेरिएबल को हम स्ट्रिंग के अंदर असाइन कर रहे हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल नेम हो रहा है, हम असाइन कर रहे हैं यहाँ, जो कि लीगल नहीं है पाइथन में, जो अलाउड नहीं है। अगर हम यही स्पैम इक्वल टू स्पैम करते हैं, तो दिस इज अ स्ट्रिंग और दिस इज अ वेरिएबल नेम। अब हम इस स्ट्रिंग को इस वेरिएबल नेम के अंदर असाइन करना चाह रहे हैं, एंटर करते हैं और कोई एरर मैसेज नहीं आता, इसे हम चेक कर सकते हैं, स्पैम एंटर करेंगे तो इसके अंदर स्पैम वैल्यू है, एंटर हो चुका है। और इसका टाइप, जैसा आपको पता है, टाइप भी हम चेक कर सकते हैं कि डेटा टाइप क्या है स्पैम का, दैट इज स्ट्रिंग, क्योंकि कोट्स के अंदर ये है, राइट। तो ये हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम थ्री डेटा टाइप्स, ये भी हम लास्ट कवर कर चुके हैं। एक डेटा टाइप कॉमन, सबसे कॉमन डेटा टाइप है स्ट्रिंग, जो कि आपके हर प्रोग्राम में 99.99% यूज रहेगा ही रहेगा स्ट्रिंग। उसके बाद है इंटीजर, और उसके बाद हमने किया है फ्लोट, ये तीन अभी किया। और भी डेटा टाइप्स हैं, आपको उन पे भी मेरे वीडियो मिल जाएंगे चैनल के अंदर। डिक्शनरी इज ए डेटा टाइप, ट्यूपल डेटा टाइप है, अभी लिस्ट पे भी काम चल रहा है तो लिस्ट का भी वीडियो आ जाएगा। तो ये सारे डेटा टाइप्स हैं। तो अभी बेसिक जो मैंने अलग प्लेलिस्ट बना रखा है ये वाला, इसमें बेसिक मैं बता रहा हूँ, इसलिए ये तीन डेटा टाइप इनफ है बेसिक कोर्स के लिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज एन एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ, व्हाट डू ऑल एक्सप्रेशंस डू। तो एक्सप्रेशन क्या है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक्सप्रेशंस। चलिए इसके लिए भी हम तो फॉर एग्जांपल 45 + 7 इज एन एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है और ये ऑपरेटर है, राइट। ये क्या कर रहा है, हमने एक स्टेटमेंट दिया प्रोग्राम को, एक इंस्ट्रक्शन है ये प्रोग्राम के लिए कि 45 + 7 आपको करना है, आपको करने के लिए हम बोल रहे हैं। और ये क्या करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये करेंगे, तो ये 45 + 7 इज 52, ये रिजल्ट है। सपोज 45 टाइम्स 2 प्लस 7 देन माइनस 1, तो ये क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट अगर आते हैं तो 10 + 7 इज 17, माइनस 1 इज 16। तो ये इस तरह से, अब इस एक्सप्रेशन का अगर हमने ऑर्डर चेंज करना है, सपोज हमें 2 प्लस
प्लस 7 करना है, तो हम उसके लिए ब्रैकेट यूज करेंगे इस ऑर्डर को चेंज करने के लिए। ऑर्डर को चेंज करते हम तो 5 टाइम्स 9 माइनस 1 रहेगा, तो 9 टाइम्स 5 इज 45 माइनस 1 इज 44। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और ये दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस्ड असाइनमेंट स्टेटमेंट लाइक स्पैम इक्वल टू 10, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सप्रेशन एंड अ स्टेटमेंट। चलिए इसके लिए भी हम इसे देख लेते हैं। जैसे लास्ट हमने किया था 5 प्लस 4 टाइम्स 5 माइनस 7 14 डिवाइडेड बाय 7। ओके, तो ये एक स्टेटमेंट है या ये एक एक्सप्रेशन है। अगर ये सॉल्व होने के बाद इसको हम एक सिंगल रिजल्ट पे आते हैं तो ये हो जाता है एक्सप्रेशन। जैसे कि ये एक्सप्रेशन, इसको हम जैसे सॉल्व करते जाते हैं तो ये फाइनली एक सिंगल रिजल्ट में आएगा, दैट इज 23.0 फ्लोट एक सिंगल में आ जाएगा। तो दिस इज एक्सप्रेशन, हमेशा एक सिंगल वैल्यू को आउटपुट करेगा। और स्टेटमेंट में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टेटमेंट में ऐसा कुछ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल टेस्ट रिजल्ट, तो ये कोई सॉल्व करने की, ये नहीं, आउटपुट हो रहा है एक स्टेटमेंट में। और एक्सप्रेशंस में क्या हो रहा है, ये एक सिंगल वैल्यू में आउटपुट होगा हमेशा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, व्हाट डज द वेरिएबल बेकॉन कंटेन आफ्टर द फॉलोइंग कोड रन्स। ओके, तो इसे भी देख लेते हैं। बेकॉन इक्वल टू 20, फिर बेकॉन प्लस 1। तो जैसे हो गया, बेकॉन इज 20, सो दिस इज 20, सो 20 प्लस 1 इज 21, राइट। तो अभी हम इसे रन करके देखते हैं। बेकॉन इक्वल टू 20 एंड बेकॉन प्लस 1 इज इक्वल टू 21, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर 7, व्हाट शुड the following two expressions evaluate to। spam एक string है, this is plus spam span, okay। तो ये क्या कर रहा है, it's spam plus spam span, so ये concatenation हो रहा है एक string, ये भी एक string है, तो कोई problem नहीं है, कोई error नहीं है, तो ये combine हो जाएगा spam spam spam, 3 टाइम्स ये आ जाएगा, ये कॉन्कैटनेशन हो गया। नेक्स्ट जो है वो है स्पैम टाइम्स 3। ओके, तो स्पैम को 3 टाइम्स रिपीट करना है, दैट इज अगेन द सेम थिंग, स्पैम 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 3 टाइम्स ये रिपीट हो सकता है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई इज एक्स अ वैलिड वेरिएबल नेम व्हाइल 100 इज इनवैलिड। एग इज अ वैलिड वेरिएबल नेम क्योंकि हमने जो हमें पाइथन का रूल है वो ये कहता है कि वेरिएबल नेम सिंगल वर्ड का होगा, इट शुड स्टार्ट विथ अल्फाबेट और इट शुड स्टार्ट विथ, अगर यूज करना है तो यू कैन यूज अंडरस्कोर, जो कि यहाँ यूज नहीं किया, नो प्रॉब्लम। सो इट्स अ वैलिड वेरिएबल नेम, यहाँ 100 इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है एक इंटीजर से, एक नंबर से, जो कि लीगल नहीं है पाइथन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर 9, व्हाट 3 फंक्शंस कैन बी यूज्ड टू गेट द इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और स्ट्रिंग वर्जन ऑफ अ स्ट्रिंग। तो ये 3
हम कर चुके हैं, इंटीजर के लिए फंक्शन होता है आई एन टी, और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए एफ एल ओ ए टी फंक्शन, एंड स्ट्रिंग के लिए एस टी आर फंक्शन यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज दिस एक्सप्रेशन कॉज एन एरर, हाउ कैन यू फिक्स इट। ऑलराइट, तो ये सेंटेंस हम आइडियल पे देखते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। सो यहां पे हम इसको पहले सबसे पहले तो रन करते हैं और एरर मैसेज देखते हैं। एरर मैसेज है टाइप एरर, कैन ओनली कॉनकेटनेट स्ट्रिंग नॉट इंट टू स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग हम कॉनकेटनेट कर सकते हैं, इंटीजर को नहीं कर सकते। तो हमें गलती पता चल गया कि यहां पे दो तो स्ट्रिंग है पर एक ये इंटीजर है, राइट। अगर ये, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो अगर हम इसे स्ट्रिंग कर लेते हैं ऐसे, और अब इसे रन करते हैं, तो ये हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, एक तरीका तो ये हुआ, लेकिन ये इतना स्मार्ट तरीका नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम में क्या वैल्यू आएगा हमें नहीं पता होता। यहाँ 99 दिखा रहा है, हो सकता है वहाँ एक बार रन करते हैं तो कुछ और इनपुट होता है, दूसरी बार कुछ और इनपुट होता है, तो हर बारी कोर्स में। सो ये स्मार्ट तरीका नहीं है, दिस इज़ नॉट पाइथोनिक वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इस इंटीजर को स्ट्रिंग में, क्योंकि ये भी स्ट्रिंग है ये भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो जैसा आपको पता है एस टी आर फंक्शन के अंदर 99 को एज आर्ग्यूमेंट ले लेंगे और इसको हम रन करेंगे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। चलिए तो कुछ और एक्सरसाइजेस करते हैं। ये W3 Schools वेबसाइट से मैंने कुछ 25 क्वेश्चंस निकाले, ये भी, और ये ऑनलाइन है, ये आप भी कर सकते हैं। लिंक अगर आप चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर कमेंट करेंगे तो कमेंट पे भी दे दूंगा। तो ये पहला क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट का आउटपुट सिंटैक्स, करेक्ट आउटपुट सिंटैक्स क्या है। तो आउटपुट के लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं प्रिंट, इको यूज़ नहीं करते हैं, पी यूज़ नहीं करते हैं, प्रिंट हमने किया है, तो प्रिंट फिर ब्रैकेट और विद इन कोट्स हम स्ट्रिंग लिखते हैं, तो ये होना चाहिए सही जवाब। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू इंसर्ट कमेंट्स इन पाइथन कोड। कमेंट्स के लिए हम पाइथन में, जैसे कि आपको पता है, हैश यूज करते हैं, तो ये होगा हैश, दिस इज अ कमेंट, राइट। चलिए नेक्स्ट, ये है विच वन इज नॉट अ लीगल वेरिएबल नेम। जैसे पहला माई वार, एम कैपिटल है, एम कैपिटल, ये जो पाइथन का रिकमेंडेशन है कि आप फर्स्ट लेटर जो है उसको आप स्मॉल रखेंगे, लेकिन ये कोई रूल नहीं है कि स्मॉल आप बड़ा भी रख सकते हैं, इसमें एरर नहीं आएगा। बस एक जो इनकी रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से ये नहीं है, तो वैसे लीगल है। अंडरस्कोर माईवार, ये भी कई वेरिएबल्स में हम यूज़ करेंगे अंडरस्कोर, तो ये भी लीगल है। माई अंडरस्कोर वार, तो ये तो हम यूज़ करते ही अंडरस्कोर, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अंडरस्कोर अलाउड होता है। अंडरस्कोर चाहे आगे हो चाहे बीच में हो। ये माय हाइफन वार, हाइफन अलाउड नहीं है, दिस इज नॉट लीगल, पाइथन में हाइफन अलाउड नहीं होता। नेक्स्ट है, हाउ डू यू क्रिएट अ वेरिएबल विद द न्यूमेरिक वैल्यू 5। ओके, तो ये है बहुत अच्छा, x इक्वल टू इंट 5, x इक्वल टू इंट 5, 5 इज अ इंटीजर। अगर आपको इंट फंक्शन के अंदर लेना है, जैसे कि x इक्वल ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि ये इंटीजर है। चलिए ये करके देखते हैं, आइडल ओपन करते हैं, और यहां पे मैं लिखता हूं x इक्वल टू 5, एंटर करता हूँ, और एक्स का चेक करते, वैल्यू 5 है, और टाइप चेक करते हैं, टाइप क्या है एक्स का, इट इज इंट, दैट इज इंटीजर। सो इंट इज
ये बाय डिफॉल्ट, और ये पाइथन की खूबसूरती है कि आपको डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता, ये बाय डिफॉल्ट ले लेते। लेकिन क्या होगा अगर हम ऐसे यूज़ करते हैं एक्स इक्वल टू इंट 5, इसमें क्या गलती है? क्योंकि इंट भी एक फंक्शन है पाइथन में, तो इसको यूज़ करते हैं एक्स इक्वल टू इंट 5, रन करते हैं, कोई एरर नहीं, और एक्स देखते टाइप एक्स भी चेक करते हैं, सो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, एक्स का वैल्यू 5 आ रहा है, और टाइप भी अगर चेक कर रहे हैं इंट आ रहा है, तो ये भी इलीगल नहीं है, ये भी लीगल है, ये भी यूज़ कर सकते हैं, इंट यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, और ये भी काफ़ी है। तो आंसर यहाँ पे होगा बोथ द अदर आंसर्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द करेक्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर पाइथन फाइल्स? पाइथन फाइल्स के लिए हम यूज करते हैं .py। हाउ डू यू क्रिएट अ वेरिएबल विद द फ्लोटिंग नंबर 2.8? 2.8 डेसिमल आ रहा है तो फ्लोटिंग पॉइंट होगा। तो सेम लाइक अभी हमने इंट का किया, बिल्कुल वैसे ही है, एक्स इक्वल टू 2.5 अगर हम लेते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट एक्स इक्वल टू 2.8 है। तो ये अगर टाइप चेक करते हैं हम एक्स का, तो आप देखेंगे एक्स इज अ फ्लोट। उसी तरह अगर हम इसे एक्स इक्वल टू फ्लोट, एक फंक्शन है फ्लोट फंक्शन यूज करते हैं, तो भी कोई एरर नहीं आएगा। ये विंडो थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, राइट। और इसका अगर हम टाइप चेक करते हैं एक्स इक्वल टू 5, तो ये भी फ्लोट ही आ रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। चलिए, तो इसमें भी होगा बोथ द अदर आंसर्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स टू आउटपुट द टाइप ऑफ अ वेरिएबल और ऑब्जेक्ट इन पाइथन? लिया तो टाइप एक्स, सपोज टाइप ऑफ एक्स नहीं लिखते हैं, टाइप ऑफ ये भी नहीं, टाइप एक्स इज द करेक्ट। और क्योंकि आउटपुट करना है तो प्रिंट फंक्शन के अंदर इसको एज ए आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, तो ये प्रिंट टाइप एक्स, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट वे टू क्रिएट ए फंक्शन इन पाइथन? ये बेसिक के साथ में ये एक्सरसाइज दे रहा हूँ, तो इसमें फंक्शन, लेकिन फंक्शन भी मैं ऑलरेडी कवर्ड कर चुका हूँ, इसी चैनल में है, फंक्शन का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर आप चाहे तो मैं लिंक ऊपर आपको दिख रहा होगा अभी, इस पर क्लिक करके फंक्शंस भी आप क्लियर कर सकते हैं और वापस यहाँ आ सकते हैं। अदरवाइज आप इसको अगर बेसिक के साथ ही रखते हैं तो इस क्वेश्चन को स्किप करके आगे देख सकते हैं। तो बेसिकली सिंपल है, क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं फंक्शन क्रिएट करें, डेफ कीवर्ड है, और फिर फंक्शन नेम, फिर ब्रैकेट पैरेंटेसिस होता है, और उसके अंदर पैरामीटर अगर चाहिए यूज़ करते हैं, और फिर कोलम। तो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ फंक्शन इन पाइथन। हेलो इज द सेम एज हेलो, ये ट्रू या फॉल्स बताना है। हेलो सिंगल कोट में है, हेलो डबल कोट में है, और कोई डिफरेंस नहीं है, स्पेलिंग और कैप्स एच दोनों में कैप्स है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। और सिंगल कोट्स और डबल कोट्स हमें दोनों ही स्ट्रिंग बताते हैं, तो सेम, यस ट्रू। व्हाट इज अ करेक्ट सिंटेक्स टू रिटर्न द फर्स्ट कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग? फर्स्ट कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग, तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्ट्रिंग इज हेलो, ओके। इसको हम आइडल में देखते हैं, तो फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ, सपोज एक्स इज इक्वल टू हेलो, राइट। तो हमें अगर फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए, दैट इज इंडेक्स, आपको पता है फर्स्ट कैरेक्टर जो है 0 इंडेक्स में है, सेकंड है 1, थर्ड है 2, फोर्थ है 3, और फिफ्थ है 4। ये इंडेक्स होते हैं इनके। जैसे मैं अगर देखूँ एक्स विद इन स्क्वायर ब्रैकेट 0 लिखता हूँ, तो मुझे आ जाएगा फर्स्ट कैरेक्टर जो है एच, वो आएगा। अगर मुझे सेकंड कैरेक्टर चाहिए तो मैं X1 लिखूंगा, तो मुझे सेकंड, ये 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए सेकंड कैरेक्टर जो है 1 पे एक्सेस होगा। तो
अगर हम लेते हैं सपोज हेलो हेलो, वही अभी जो हमने यूज किया है एक्स एक्स जीरो, राइट, एक्स जीरो, व्हाट इज एक्स? एक्स इज एक्चुअली हेलो, तो हम उसकी जगह हेलो ले लेते हैं एक्स की जगह. तो दिस इज ऑल्सो सेम एज एक्स जीरो या हेलो जीरो, राइट. और इसको एंटर करते तो हमें एक्स, करेक्ट. सो अगर ये जो है तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच मेथड कैन बी यूज टू रिमूव एनी वाइट स्पेस फ्रॉम बोथ द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग? एंड और बिगिनिंग ऑफ अ स्ट्रिंग से हटाने के लिए ये सारे मेथड्स हैं हमारे पास, या फंक्शंस हैं, इनबिल्ट फंक्शंस हैं पाइथन के. लेन आपको पता है कैरेक्टर काउंट करने के लिए होता है, स्ट्रिप है, ट्रिम करने के लिए. और तो चलिए इसे हम आइडल में देखते हैं. सपोज वाई इक्वल टू स्पेस हेलो स्पेस, ये कोटेशन कर दिया हमने. तो अगर हम अब वाई को एक्सेस करते हैं तो ये दोनों तरफ आप देख रहे हो ब्लैंक स्पेस है, एच के पहले और ओ के बाद भी ब्लैंक स्पेस है. अगर इसको रिमूव करना है तो जो मेथड या फंक्शन हम यूज़ करते हैं इसके साथ, वो डेट इज कॉल्ड स्ट्रिप. ये सारे डॉट करते आपको आइडल में सारे आ जाएंगे. और स्ट्रिप इज़ द फंक्शन या मेथड या फंक्शन बोल सकते हैं आप, इसको यूज़ करेंगे क्योंकि फंक्शन है, उसे कॉल कर रहे हैं तो पेरेंथेसिस लिखना पड़ेगा. और अब आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ के जो वाइट स्पेस थे वो चले गए. सो स्ट्रिप ये आंसर होगा. नेक्स्ट है, विच मेथड कैन बी यूज टू रिटर्न अ स्ट्रिंग इन अपर केस लेटर्स, राइट. तो इसी तरह हम यूज करेंगे. सपोज अभी हमें जो मिल रहा है वाई, वाई हमने स्टोर कर रखा है हेलो, और यहाँ पे आप एक चीज आ गया एक्सीडेंटली, तो मैं बता भी दूँ, वाई को एक्सेस कर रहे हैं हम तो यहाँ पे स्पेस रिमूव नहीं हुआ है, वाई का स्पेस रिमूव नहीं हुआ है. जब ये हम यूज कर रहे हैं वाई डॉट स्ट्रिप फंक्शन, तो जो आउटपुट हो रहा है वो उस आउटपुट में स्पेस नहीं है, लेकिन वो एक्चुअल जो वाई इक्वल टू जो एक्चुअल वेरिएबल है उसको कोई भी मॉडिफाई नहीं करेगा, वो मॉडिफाई नहीं हो रहा है. तो इसको अगर आप चाहे कैच करना किसी और वेरिएबल में तो कर सकते हैं. उसके लिए सपोज वाई आप जैसे देख रहे हैं वाई इज इक्वल टू हेलो विथ स्पेस है, विदाउट स्पेस आपको करना है तो वाई डॉट स्ट्रिप ये विदाउट स्पेस हो गया. अब इसको कैच करते हैं हम दूसरे वेरिएबल में, सपोज पी, राइट, इक्वल टू दिस, और इसको एंटर करते हैं. अब पी को एक्सेस करते तो अब ये स्टोर हो गया विदाउट, लेकिन वाई को अगर एक्सेस करते वाई वही है, वाई मॉडिफाई नहीं होगा. चलिए ये हमने ऐड कर लिया, क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन था अपर केस का, राइट, अपर केस में कैसे जाएगा. चलिए तो मैं लेता हूँ पी, पी में सारे पी इक्वल टू हेलो, पी में जो हेलो स्टोर्ड है वो स्मॉल में है, तो हम इसे अपर केस में कैसे लेके जाएंगे? तो इसके लिए पी डॉट, पी डॉट जैसे ही करेंगे हमें उसके फंक्शंस आ जाएंगे, सारे मेथड सारे आ जाएंगे. और इसमें मेथड होगा अपर, अपर मेथड यूज करेंगे हम, अपर पी डॉट अपर करते हैं तो हेलो सारा ये अपर केस में आ गया. सेम अगर अभी मैं पी एक्सेस करता हूँ, पी में कोई चेंजेस नहीं है, पी डॉट अपर मेथड जो है वो उससे चेंज करके दिखा रहे हैं. और इसे स्टोर करना है या कैच करना है तो आप कर सकते हैं. सपोज एक और वेरिएबल ले पी डॉट अपर, और एक और वेरिएबल ले सकते हैं हम, सपोज एक्स ले लेते हैं, और अब इसमें स्टोर करते तो एक्स को एक्सेस करते तो अब एक्स में ये हेलो, लेकिन पी में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, राइट. सो द आंसर इज अपर फंक्शन. नेक्स्ट, विच मेथड कैन बी यूज टू रिप्लेस पार्ट्स ऑफ योर स्ट्रिंग? तो इसे देखने के लिए भी हम आइडल में जाते हैं.
सपोज एक स्ट्रिंग ले लेते हैं हम, सपोज एक स्ट्रिंग है टेक्स्ट इक्वल टू आई हैव पेन, ठीक है। तो टी एक्स टी वेरिएबल हम चेक करते हैं, आई हैव ए पेन इसमें स्टोर्ड है। ऑल राइट, अब हमें क्या करना है, पेन की जगह पे सपोज हमें पेंसिल, पेन को रिप्लेस करना है पेंसिल से, तो हम कैसे करेंगे, वेरिएबल नेम डॉट मेथड आएगा और मेथड में हम आए रिप्लेस मेथड यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम मेंशन करेंगे पेन कॉमा पेन जो है उसे हमें रिप्लेस करना है, किससे करना है, पेंसिल, पेंसिल से रिप्लेस करना है और एंटर करेंगे। तो अब ये रिप्लेस होके क्या हो गया, अब अगर टी एक्स टी चेक करेंगे तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ वो रिप्लेस नहीं हुआ, ये रिप्लेस हुआ। और अगर आपको इसको कैच करना है तो आपको किसी और वेरिएबल में इसको स्टोर करना पड़ेगा, राइट। तो अब आप मॉडिफाइड में आपने पेंसिल को स्टोर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दिस इज रिप्लेस। विच ऑपरेटर इज यूज टू मल्टीप्लाई नंबर्स, तो आपको पता है एस्ट्रिक्स। नेक्स्ट इज विच ऑपरेटर कैन बी यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज, टू वैल्यूज कंपेयर करने के लिए, ये हम आइडियल में देख सकते हैं। जैसे ये डिफरेंस समझना जरूरी है, ए इक्वल टू 5, ये क्या कर रहा है कि 5 को ए में असाइन कर रहा है, ए का वैल्यू 5 रहेगा, राइट। तो ये असाइन कर रहा है, ये कंपेयर नहीं कर रहा है कि ए इक्वल टू 5 मीन्स ए भी 5 है और ये 5 है, अभी नहीं, अभी हम असाइन कर रहे हैं, सिर्फ इसके अंदर हम 5 डाल रहे हैं। आप समझ लो एक छोटा सा बॉक्स है ए नाम का, खाली है, और उसके अंदर हम 5 एक चीज़ है, उस चीज़ को उस बॉक्स के अंदर डाल रहे हैं। हम कोई इक्वल वो नहीं कर रहे। अब हम चेक करते हैं तो इसके अंदर वो डल गया है, लेकिन अगर कंपेयर करना हुआ तो दो, किसी भी दो वैल्यूज़ को अगर हमें कंपेयर करना हुआ तो हम कंपैरिजन के लिए जो यूज़ करेंगे वो है डबल इक्वल। सपोज मैं लेता हूँ बी इक्वल टू, बी में मैं 3 डाल देता हूँ, तो आपको समझ आ रहा है, और एक छोटा सा बॉक्स है बी नाम है, उसके अंदर मैं एक वैल्यू डाल रहा हूँ, क्या 3, 3 उसके अंदर वैल्यू डल गया। अब हमें देखना है ए और बी इक्वल है कि नहीं, कंपेयर करना है। तो कंपेयर कैसे करेंगे, ए इज इक्वल टू बी, सॉरी, तो ए इज इक्वल टू बी मीन्स हम कंपेयर कर रहे हैं ए और बी इक्वल है क्या। तो आंसर जो पाइथन हमें देगा तो बुलियन आंसर है, बुलियन आंसर आइदर ट्रू या फॉल्स होगा, तो ये बता रहा है कि ये फॉल्स है, ट्रू नहीं है। हमें भी पता है ए इज 5 एंड बी इज 3, तो ये ट्रू नहीं है। तो कंपेयर करने के लिए हम हमेशा ये यूज करते हैं डबल इक्वल, राइट। और ए नॉट इक्वल करने के लिए नॉट इक्वल टू बी, ये कर सकते हैं हम, ए नॉट इक्वल टू बी कंपेयर कर रहे हैं तो ये बता रहे ट्रू इक्वल नहीं है। ऑल राइट, तो ये कंपेयर विच कंपेयर टू वैल्यूज। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ दिस कलेक्शंस डिफाइंस अ लिस्ट, तो लिस्ट का भी अभी चैनल अपडेट हो जाएगा, मैं वीडियो लिंक भी दे दूंगा। बस अभी के लिए इस क्वेश्चन के लिए आपका लिस्ट आप याद रखिए कि जैसे हमने किया है सिंगल, ये फर्स्ट ब्रैकेट जो है इसमें अगर यूज़ हो रहा है तो ये ट्यूपल होते हैं, और कर्ली ब्रैकेट में होते हैं, कर्ली ब्रैकेट में जो होते हैं ये विथ की एंड वैल्यू ये डिक्शनरी होते हैं, उसी तरह लिस्ट जो होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट आइटम्स को अरेंज किया जाता है। तो ये आंसर है, इसे एक बार मैं बता देता हूँ। इसमें फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू, मैं ये करता हूँ 1 2 3 4 और एंटर करता हूँ, और ए 1 2 3 4 है, और ए का टाइप मैं चेक करता हूँ तो ए इज़ ए ट्यूपल, राइट।
अब अगर मैं करता हूँ ए इज स्क्वायर ब्रैकेट में देता हूँ 1 2 3 4, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और टाइप ए चेक करता हूँ, तो नाउ टाइप ए इज लिस्ट। तो स्क्वायर ब्रैकेट में यूज़ करने से हम लिस्ट आइटम को स्क्वायर ब्रैकेट में अरेंज करते हैं। ऑल राइट, विच ऑफ दिस कलेक्शन डिफाइंस अ ट्यूपल, जो अभी हमने करा सिंपल ब्रैकेट पे, फर्स्ट ब्रैकेट पे हम यूज करेंगे ट्यूपल्स। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस कलेक्शन डिफाइंस अ सेट, सेट हम कर्ली ब्रैकेट में करेंगे, लेकिन की वैल्यूज, जैसे ये की वैल्यूज है वो नहीं होगा, वैल्यू और की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू पेयर जो है डिक्शनरी में होता है वो यहाँ नहीं होगा। सेट्स में कर्ली ब्रेसेस होंगे लेकिन सिर्फ वैल्यूज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज कलेक्शन डिफाइंस अ डिक्शनरी, डिक्शनरी हम कर चुके हैं, मैं या आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा, अगर आपको डिक्शनरी के बारे में समझना है वीडियो बना हुआ है चैनल में, आप जाके देख सकते हैं। ये है नेम, एप्पल की वैल्यूज, अगर हम लेते हैं इसको, मैं इसमें दिखा देता हूँ, तो एक्स इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लेंगे और इसके अंदर सपोज 1 कोलन पेन कॉमा 2 कोलन केक कॉमा 3 कोलन फ्रूट्स 4 कोलन नोटबुक, राइट। अब इसे एंटर करते हैं और टाइप ऑफ एक्स हम चेक करते हैं, टाइप ऑफ एक्स इज डिक्शनरी, राइट। और हम जब अगर 1 एक्सेस करते हैं तो ये पेन आएगा, एक्स दिस इज एक्स इज द की, जो डिक्शनरी में आपको डिटेल में पता चल जाएगा। और हम एक्स में अगर 3 एक्सेस करते हैं तो की का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है दैट इज फ्रूट हम एक्सेस कर लेते हैं। सो दिस इज द विच ऑफ द डिक्शनरी, सो दिस वन इज द डिक्शनरी। नेक्स्ट, विच कलेक्शन इज ऑर्डर्ड चेंजेबल एंड ऑलवेज डुप्लीकेट मेंबर्स, सो अलाउज डुप्लीकेट मेंबर्स, दिस इज एक्चुअली ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड चेंजेबल दैट इज म्यूटेबल एंड अलाउज डुप्लीकेट मेंबर्स इज लिस्ट, लिस्ट में लिस्ट इज म्यूटेबल और ऑर्डर्ड होता है, अलाउज डुप्लीकेट अलाउ करता है। ओके, विच कलेक्शन डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट मेंबर्स, डुप्लीकेट मेंबर्स सेट्स अलाउ नहीं करते डुप्लीकेट मेंबर्स। हाउ डू यू स्टार्ट राइटिंग एन इफ स्टेटमेंट इन पाइथन, इफ स्टेटमेंट का अभी नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो फ्लो कंट्रोल के बारे में ही करने जा रहे हैं, तो अभी हम इफ कवर करने वाले हैं, तो इसे आप बस वैसे समझ लीजिए, कोई वो नहीं है, क्योंकि बेसिक क्लास भी है। तो ये इफ स्टेटमेंट होता है, इफ इफ कंडीशन और फिर कोलन आ जाता है। हाउ डू यू स्टार्ट राइटिंग अ व्हाइल लूप इन पाइथन, व्हाइल लूप भी अभी इसी में आएगा कंडीशन फ्लो में, तो ये बस मैं लिख देता हूँ व्हाइल कंडीशन और कोलन आ जाता है। और हाउ डू यू स्टार्ट राइटिंग अ फॉर लूप इन, राइटिंग फॉर लूप भी आ जाएगा, तो फॉर एक्स इन वाई कोलन इस तरह से आएगा। और विच स्टेटमेंट इज यूज टू स्टॉप अ लूप, स्टॉप करने के लिए हम यूज करते हैं ब्रेक। ऑल राइट, तो हमने सारा कंप्लीट कर लिया अभी, तो आपको कोई भी किसी भी चीज़ पे अगर डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि वीडियो देखने से समझने से ही नहीं होगा, समझ तो सब कुछ आ जाएगा आपको, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसको बार बार रिपीटेडली अलग अलग क्वेश्चंस लेके, उसको अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आप इसमें आपका कमांड नहीं बढ़ेगा, क्योंकि लैंग्वेज है, जैसे कोई भी लैंग्वेज होता है तो उसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उसमें कमांड आपका उतना ही ज़्यादा होता है।
खैर तो ये था बेसिक, और नेक्स्ट क्लास में हम करने जा रहे हैं फ्लो कंट्रोल, जिसमें हम बताएंगे अभी जो हमने प्रोग्राम्स किए अभी तक वो सिंपल है, उसमें जस्ट इनपुट और आउटपुट हो रहा है, इनपुट ले रहे हैं आउटपुट दे रहे हैं, मैंने एग्जांपल जो आपको दिखाया। अब आपका प्रोग्राम जो है वो थोड़ा सा और इंटेलिजेंट बनने जा रहा है, क्योंकि अब उसमें हम डिसीजन मेकिंग पावर देने जा रहे हैं कि डिसीजंस आपको कैसे लेने हैं और किस डिसीजन पे क्या करना है। सपोज फॉर एग्जांपल अगर बारिश होती है तो आप रेनकोट पहन के जाओगे, और अगर नहीं होती है तो नहीं पहनोगे। तो अगर होती है तो रेनकोट लेना है, नहीं होती है तो नहीं लेना है। ये आपके प्रोग्राम्स कर सके इसके लिए हमें समझना होगा फ्लो कंट्रोल, जो कि अब नेक्स्ट क्लास में मैं फ्लो कंट्रोल का एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो आपको ज़रूर लिखिए। ऑल द बेस्ट, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।